हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में ऐसे चार कमाल के टिप्स लेके आई हूँ जिसको देख के आप यही सोचेंगे कि ये टिप्स हमको पहले क्यों नहीं पता था। वाकई में बहुत ही कमाल का टिप्स है और बहुत ही जबरदस्त टिप्स है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टिप्स की तरफ। यहाँ पे पहला टिप्स हमारा ये है चकवे और बेलन को लेकर। क्या होता है, जब भी हम रोटी बेलते हैं ना, तो ये जो चकवा है, हमारे यहाँ तो चकवा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हिलता है, इस तरह से सरकता रहता है, हम रोटी बेल नहीं पाते हैं, बेलने में रोटी बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसको कैसे सही करें, कितने लोग तो इसके नीचे कपड़ा रख के रोटी को बेलते हैं। यहाँ पे अगर आप कपड़ा नहीं रखना चाहते हैं तो आप रबड़ को रख के रोटी को आराम से एकदम बेल सकते हैं। चकवे के नीचे जब भी कपड़ा रख के रोटी को बेलते हैं तो जो आटा वगैरह गिरता है ना, तो कपड़ा गंदा हो जाता है। अगर आप कपड़ा रख के नहीं बेलना चाहते हैं तो इस तरीके से दो से तीन रबड़ चकवे के नीचे रख ले, जो इसका ये पैर है इस पैर पे। इस तरीके से जब आप रख के रोटी बेलेंगे ना, आपका चकवा कहीं भी नहीं सरकेगा और जो कपड़ा इसके नीचे रख के बेलते हैं वो कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कपड़े गंदे होने से बच सकते हैं और फटाफट रोटियां बना सकते हैं। जैसे भी आप रोटियां बनाना चाहें उस तरीके से रोटियां बना सकते हैं। तो ये यूजफुल टिप्स आपको कैसा लगा, अगर हमारा टिप्स आपको पसंद आए तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, आप हमें उस जगह का कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं ऐसे ही अपने अगले टिप्स की तरफ। ये टिप्स आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब चलते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा ये खलबट्टे को लेकर है। क्या होता है, खलबट्टे पे जब भी हम कूदते हैं तो आवाज बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरीके से दो तीन रबड़ आप इसके नीचे रख के जब भी खलबट्टे पे कूटेंगे, खलबट्टा आपका सरकेगा भी नहीं और अच्छे से जो भी आप कूटना चाहते हैं, अदरक वगैरह, वो इसमें कूट सकते हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है। और ज्यादा ये ऐसे नीचे रबड़ रख के कूटने पे इसका आवाज भी नहीं आता है। ये टिप्स आप जरूर अपनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। जैसा कि हमने बताया, दो तीन रबड़ इसके नीचे रख दें और उसके बाद इसमें जो आपको कूटना है आप कूट सकते हैं। ज्यादा आवाज भी नहीं आएगा और खलबट्टा इधर उधर सरकेगा भी नहीं। तो चलते हैं ऐसे ही अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा चायपत्ती को लेकर है। क्या होता है, हमारे बच्चे वगैरह कहीं भी बाहर रहते हैं और उनको चाय बनानी पड़ती है, अक्सर हमें भी घर में चाय बनानी पड़ती है। तो क्या होता है, अदरक वगैरह हम कूटना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही कमाल का टिप्स है। क्या करना है, लेना है आपको इलायची। इलायची तो सबके घर में पड़ी ही रहती है और जितनी आपके पास चाय पत्ती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इलायची को ऐसे छील के डाल के मिला दें। उसके बाद जब भी आपको चाय बनानी होगी आप बस यही चाय पत्ती, दूध और चीनी डाल के चाय बना सकते हैं। चाय आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी जैसा कि आप अदरक डाल के बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी चाय बन के तैयार होगी और आपको चाय बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और फटाफट आप इस तरीके से चाय को बना सकते हैं। कितने लोगों को अदरक वगैरह कूटने में बहुत ही झंझट लगता है, तो आप इसमें अदरक का पाउडर भी आता है वो भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं ऐसे ही अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा बेसिन को लेकर है। क्या होता है, अक्सर करके हम बर्तन वगैरह इसमें धुलते रहते हैं तो ये जो जाली है ना, ये अक्सर करके बहुत ही गंदी हो जाती है। हमेशा इसको हम मांजते नहीं है तो ये साफ नहीं रहती है। तो इसको मिनटों में कैसे साफ करें, लेना है आपको इनू। इनू तो अक्सर करके सबके घर में पड़ा ही रहता है और आप तो जानते ही हैं कि इनू खाने से लेकर हर एक चीज में फायदा ही करता है। तो क्या करना है, आपको लेना है एक ग्लास में पानी, आधा ग्लास ही पानी लें, क्योंकि पानी में जैसे ही हम इनू को डालते हैं तुरंत वो एक्टिव होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनू को डाला और तुरंत ये एक्टिव होने लगा। उसके बाद ऐसे ही जाली पे थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और एक से दो मिनट तक छोड़ देना है। एक से दो मिनट छोड़ने के बाद आप ले सकते हैं घसनी, या तो आप घसनी से साफ करें या तो आपके घर में बहुत सारे ब्रश पड़े होंगे उस ब्रश से भी आप साफ कर सकते हैं। आप इनू को चारों साइड भी डाल सकते हैं,
ये एक्टिव होता है और जहाँ पे भी पड़ता है आप देखते ही होंगे, खाने वगैरह में हम डालते हैं उसको फुला के कैसे स्पॉन्जी टाइप कर देता है, तो उसी तरीके से ये भी एकदम साफ हो जाएगा। अभी मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ, बिना ज्यादा मेहनत के बहुत अच्छी तरीके से जाली साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घसने से घसा और हल्का सा हम ब्रश से भी मार देंगे इसको इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं जाली कितनी साफ हो चुकी है, देखिए इस तरीके से। ज्यादा हमको मेहनत ही नहीं करना पड़ा और जाली कितने जल्दी से साफ हो गई, बिल्कुल बिना मेहनत के, एकदम एक पैकेट इनू से। तो ये सारा टिप्स आपको कैसे लगे, बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। अगर हमारे सारे टिप्स आपको पसंद आए तो जैसा कि हमने बताया प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियो में।